कंस्ट्रक्शन 5 रचना 5। अब इसमें क्या हमें रचना करनी है पहले समझिए। ड्रा ए परपेंडिकुलर लाइन ऑन ए गिवन लाइन सेगमेंट। ड्रा मतलब खींचो, परपेंडिकुलर लाइन मतलब लंब रेखा। कैसी रेखा? वह रेखा जो किसी रेखा पर 90 अंश का कोण बनाए। कितने अंश का? 90 अंश का जो है अगर कोण बना रही है तभी उसे कहा जाएगा कि वो क्या है, लंब है। क्या है? लंब। तो दी गई रेखाखंड पर लंब रेखा खींचना, किसी दी गई रेखाखंड रेखा पर हम अगर कोई लंब रेखा खींचना चाहें तो कैसे खींचेंगे। यहाँ पर देखोगे दिया गया है एक रेखाखंड ए बी और उस पर ए बी पर ही एक बिंदु पी दिया गया है। तो रेखाखंड ए बी पर जो बिंदु पी है वहाँ से हमको, बिंदु पी से हमको एक लंब रेखा खींचनी है। तो कैसे खींचेंगे देखिए, सबसे पहले तो हम जो रेखाखंड दिया गया है ए बी उस रेखाखंड को खींच लेते हैं। पटरी की सहायता से एक रेखा खींच देनी है। ये रेखाखंड है इसलिए हम इसको, इस पर तीर का निशान नहीं लगाएंगे क्योंकि रेखाखंड जो होता है वो निश्चित लंबाई का होता है। तो ये रेखाखंड क्या है? ए बी है। क्या है? और इस पर कोई एक बिंदु पी है। मान लीजिए आपका वो बिंदु कहाँ पर? यहाँ पर है पी। ठीक है, इस बिंदु पी से रेखा ए बी पर एक लंब रेखा खींचनी है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो लंब होगा वो कितने अंश का होगा? 90 अंश का। मतलब हमें कुछ नहीं करना है, बस इस बिंदु P पर 90 अंश का कोण बनाने वाली रेखा खींच देनी है। बहुत सिंपल है 90 अंश का कोण बनाना, पहले भी आपको हमने बताया है। आप P को केंद्र मानिए, प्रकार में कोई भी त्रिज्या ले लीजिए और एक चाप खींच दीजिए। टेढ़ा हो गया चाप। क्या हो गया? टेढ़ा। प्रकार हमारा हिल गया भाई। ये हिलना नहीं, हिलना नहीं। यो अब देखो, इसने ये बिंदु पी हमारा, मान लीजिए ये कौन सा बिंदु है? ये है क्यू। मान लो, क्या मान लिया? क्यू। यहाँ पे इसने काटा है ना इसको, है ना। अब देखो जो त्रिज्या हमने ली है इस चाप को लगाने के लिए उस त्रिज्या को हमें घटाना बढ़ाना नहीं है। अब हम क्यू पर रखेंगे और एक दूसरा चाप लगा देंगे फट से। आपको पता है अगर यहाँ से हम लाइन खींचे तो कितने अंश का कोण बनेगा? ना 60 अंश का। वेरी गुड। सबसे पहली बार कितने अंश का बनता है? 60। तो ये मान लीजिए कि ये R बिंदु है। कौन सा है बेटा? R। अब जहाँ पर R है R को केंद्र मानिए और जो त्रिज्या थी उसी त्रिज्या से एक चाप और लगा दीजिए। ये जहाँ पर काटेगा ये मान लीजिए कि S बिंदु है। कौन सा बिंदु है? जब एक चाप में 60 बना है तो दूसरे में भी 60 बना होगा। 60 120 हो गया ना। लेकिन जो यहाँ वाला 60 है अगर इसको हम आधा कर दें, क्या कर दें? तो इधर 30 मिलेगा ना, 30 तो 30 और इस वाले का 60, 30 90 हो जाएगा। तो किसी भी अगर कोण को हमें आधा करना हो तो जहाँ पर दो चाप लगे हैं एक बार एक चाप यहाँ से लगा दो और एक बार एक चाप यहाँ से लगा दो। अब जहाँ पर यह काटेगा इसको आधा कर दिया तो इधर भी 30 हो जाएगी, इधर भी 30 हो जाएगी। तो ये 30 और ये 60 मिलके 90 अंश का बन जाएगा। मान लीजिए कि ये S, ये T बिंदु है। कौन सा बिंदु है? ये T बिंदु है। कौन सा? अब T से P को मिला दीजिए, PT। ये जो बना है ये TP, ये AB पर क्या है? लंब है। क्या है? ये कितने अंश का कोण बन गया है? 90 अंश का। इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, ये भी समझ लो। टीपी लंब है ना, तो ऐसे लिखेंगे टीपी। ऐसा निशान अगर कहीं बना दिखे तो इसे परपेंडिकुलर कहना या फिर लंब कहना। क्या कहना? टीपी लंब है किस पर? ए बी पर। ये हो गया किसी दी गई रेखाखंड पर लंब खींचने का तरीका। ओके।